Hello students, today we'll understand distributive property of multiplication over addition of class 7th chapter 1 integers. To begin with, we will first understand what is distributive property. If we go on definition, then it says, in general, for an integer a, b and c, koi bhi teen aap integers le lijiye, a, b or c, a into b plus c is equal to a into b plus a into c. यहाँ पे brackets लगा लेते हैं ताकि जब हम multiplication करेंगे तो हम a into b करेंगे और a into c करेंगे. और अगर आप rule Bodmas का भी देखें तब भी हम पहले multiplication ही करेंगे addition से पहले. But to be precise, it's better to put the brackets. Okay, now to begin with, we'll take some examples of NCERT. हाँ जी, हम ये लेंगे पहला example, जो जिसके अंदर हमने जो भी integers choose करे हैं वो plus वाले हैं. 16 into 10 plus 2. अब distributive property क्यों helpful होती है? वो इसलिए helpful होती है क्योंकि वो easy multiplication में break करा देती है. अब जब हम write करते हैं 16 into 10 plus 2, मैं इसको 16 into 12 करके भी निकाल सकती हूँ इसका आंसर. बट जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो मैं इस 10 को 12 को ब्रेक करती हूँ 12 इक्वल्स टू 10 plus 2, जिसके अंदर मुझे पता है कि मेरी मल्टीप्लिकेशन 16 से 10 की बहुत ही ईजी हो जाती है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे ये है 16 इंटू 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू 10, दैट इज़ योर फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस 16 इंटू 2. ये मैंने इसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी है? अगर मैं इस नंबर को a मान लूँ तो ये आपका हो गया a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी. ए को ही दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है बच्चों. बी और सी को आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, ए को ही ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स जो भी है, बी है, सी है, और अगर एक और हम डी भी लिख लेंगे तो ए का कॉम्बिनेशन सबके साथ लिखना है. ये एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है. अब 16 इंटू 10 आपका 160 होता है और 16 इंटू 2 आपका 32 होता है. सो इट बिकम्स अ ओरल मल्टीप्लीकेशन. आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसको मल्टीप्लीकेशन को करने के लिए, और आंसर आपका डायरेक्टली आ गया 192. इंस्टेड आप 16 इंटू 2 12 अगर आप अलग तरीके से निकालते तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती मल्टीप्लीकेशन की. ओके, नाउ टू मूव फॉरवर्ड हम थोड़े से एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. इसके अंदर ये कहता है, अब इंटीजर्स में हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेने शुरू कर दिए हैं. ए पार्ट के अंदर माइनस टू इंटू थ्री प्लस फाइव. अब थ्री प्लस फाइव मैं एट भी निकाल सकती हूँ और माइनस टू इंटू एट में माइनस सिक्सटीन भी निकाल सकती हूँ आंसर. और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ कि माइनस टू इंटू थ्री करूँ और माइनस टू इंटू फाइव करूँ. अगर माइनस टू इंटू थ्री करती हूँ तो मेरा माइनस सिक्स आता है. अब मैं ए जो है मेरा, ए को मैं दोनों नंबर जो बी और सी हैं दोनों नंबर से एक एक बार करके मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बाहर के नंबर को अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है. और दूसरा है माइनस टू इंटू फाइव जो कि है माइनस टेन. नाउ यहाँ पे अब आता है हमारा इंटीजर एडिशन. क्लास सिक्स में आप इंटीजर एडिशन याद करके आए हैं कि अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे माइनस सिक्स आता है और लेफ्ट साइड पे ही माइनस टेन आता है तो दोनों नंबर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं. अगर दोनों नंबर लेफ्ट साइड पे जाते हैं, सेम डायरेक्शन के नंबर हैं, तो साइन तो माइनस ही रहेगा बट उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. तो आप 10 प्लस सिक्स रफ में निकाल सकते हैं 16, या ये ओरली भी कर सकते हैं. तो आंसर आपका आ गया माइनस 16. सो बेसिकली
आपका इसमें इंटीजर का नंबर लाइन का भी कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल्स इसमें समझने की कोशिश करते हैं, फिर खुद भी करेंगे। जिसके अंदर वो दोनों प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर रहा है कि अंदर वाला ब्रैकेट उसने पहले सॉल्व किया और फिर बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई करी, तो ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ वेरिफिकेशन। क्वेश्चन आते हैं वेरीफाई ये वाली चीज़, जस्ट अ सेकंड, इसके अंदर ये वाली चीज़ वेरीफाई करो कि इक्वल है इस वाली चीज़ के। यू हैव टू वेरीफाई दैट दीज टू ब्रैकेट्स आर इक्वल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका आता है अंडर वेरीफिकेशन। तो अभी तो हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं माइनस फोर इंटू ब्रैकेटेड माइनस टू प्लस सेवन। तो पहले आप माइनस टू प्लस सेवन करिए, एक नंबर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नंबर जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये प्लस सेवन जा रहा है, ये माइनस टू जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी नंबर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इंटीजर्स में तो वैल्यू उनकी सब्ट्रैक्ट होती है एंड द साइन ऑफ द बिगर नंबर कम्स। सो यू विल हैव प्लस फाइव एंड माइनस फोर इंटू प्लस फाइव इज माइनस ट्वेंटी। दैट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑपोजिट साइन नंबर्स इफ यू मल्टीप्लाई देन इट इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव। नाउ वी कम टू द अदर साइड दैट आई मल्टीप्लाई ए विद बोथ द नंबर्स एंड देन आई राइट, इट बिकम्स माइनस फोर इंटू माइनस टू, क्योंकि ये माइनस फोर इंटू माइनस टू हो गया। और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा हमारा, बीच में ये वाला साइन आएगा, ये आ गया ना प्लस, और दूसरा आया हमारा माइनस फोर इंटू सेवन। तो माइनस फोर इंटू माइनस टू, दो नेगेटिव नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर होता है प्लस। देखिए ऐसे हो जाता है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव फोर इंटू नेगेटिव माइनस टू, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो दो नेगेटिव को आप प्लस साइन में लिख दीजिए, प्लस एट हो गया। और अगर साइंस के ऑपोजिट, अगर नंबर्स के ऑपोजिट साइन होते हैं, जैसे एक माइनस है और एक प्लस है, तो अब माइनस है और प्लस है, तो अब इस माइनस को तो प्लस बनाने के लिए एक और माइनस नहीं है ना मेरे पास, स्टिक नहीं है उसके लिए, तो फिर ये माइनस रहेगा। तो अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर माइनस आता है। और 8 प्लस माइनस 28, जब हम दो इंटीजर्स ऐड करते हैं तो वो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आ गया हमारा आंसर माइनस 20। ओके, नाउ वी मूव फर्दर टू आर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसके अंदर हमने दोनों, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इन एग्जाम्पल्स को तो आप ये नोटिस करेंगे, हाँ आप ये नोटिस करेंगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव नंबर्स थे, फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव किया, अब तीनों में, तीसरे वाले में दोनों नेगेटिव कर दिए, ठीक है। और पहला नंबर हर एक एग्जाम्पल में नेगेटिव ही रखा गया है। तो धीरे धीरे टफनेस बढ़ाते हैं क्वेश्चन की ताकि आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस करने आ जाएं। अब ये सी पार्ट के अंदर ये बोल रहा है माइनस एट इंटू माइनस टू प्लस वन, सो बेसिकली इट इज़ ए इंटू बी प्लस सी, जहाँ पे ए तो आपका कौन सा नंबर प्ले कर रहा है, माइनस एट, बी कर रहा है माइनस टू और सी कर रहा है माइनस वन। मेरे ख्याल से क्लियर है, ए इंटू बी प्लस सी, और बी और सी नेगेटिव नंबर्स है और ए भी इसमें नेगेटिव है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या याद रखना है कि बाहर वाला ए जो मल्टीप्लिकेशन में है वो दोनों से जाके मिले, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये याद रखना है आपको। तो वही करा गया है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मैं एक सेकेंड फिर से इसको मिटा के समझाती हूँ। पहले वाले में तो आपको पता है अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करके ये 24 आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो ए इंटू बी विच इज़ दिस ब्रैकेट प्लस ए इंटू सी। अब माइनस एट इंटू माइनस टू हमारा आएगा प्लस 16,
क्योंकि दो माइनस आ गए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऐसे ही माइनस एट इंटू माइनस वन आ गया हमारा प्लस एट, आंसर आया 24। और अगर हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते, माइनस टू प्लस माइनस वन, तो अंदर आता माइनस थ्री और माइनस एट इंटू माइनस थ्री हो जाता प्लस 24। तो दोनों तरीके से ये आंसर सेम आ रहा है। तो हमें आखिर में क्या मिल रहा है, आखिर में हमें मिल रहा है दैट दीज टू नंबर्स इन द ब्रैकेट्स आर कंप्लीटली द सेम, वी लैंड अप विद द सेम आंसर्स। ओके, सो नाउ वी टेक अप सम मोर क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द एक्सरसाइज वील टेक। ओके, सो हेयर वी कम टू एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। दिस इज 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 इंटू 36। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये रियलाइज करना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। वो रियलाइज़ करने का तरीका ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक तो सेम नंबर की प्रेजेंस होती है, और दूसरा अगर हम ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो इसके अंदर दो अर्थमेटिक साइंस का यूज़ होता है, एक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, एक एडिशन आ रहा है, तो इसके अंदर दो साइन आ रहे हैं। पहचान क्या है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन। जब आप दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो बेसिकली आपको एक नंबर की तरह सोचना चाहिए उसे। तो ये दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और कंबाइंड विथ एडिशन, तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव का है। सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन, सो गिव मी अ सेकेंड टू कॉपी इट। यस, सो वील टेक दिस क्वेश्चन। Copy, we'll paste here. Okay, so we'll begin with this question. It says 26 into minus 48 plus minus 48 into 36. सबसे पहले तो आप यहाँ पे commutative लगा के इस नंबर को आगे लेके जाइए, क्योंकि ये नंबर a into b plus c के फॉर्म का होना चाहिए, तो ये नंबर आगे लगा होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी से हम जगह को स्वाप कर सकते हैं, वो होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिनसे हम जगह आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस 48 इंटू 26 प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए, this plays the role of b, this again plays the role of a and this plays the role of c. तो अगर question आपका open form में है, a into b plus a into c में question given है और आपको property लगानी है, तो हमें इस bracket को बंद करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से question दिया होता है a into ये वाले तरीके से a into b plus c में, तो खोल के solve करेंगे, और अगर ऐसे खुला हुआ क्वेश्चन दिया है तो उसको बंद करके सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया a इंटू बी प्लस सी, ए क्या माना है हमने, माइनस 48, क्योंकि वही रेपिटेशन में आ रहा है, इंटू अब ये आ गया आपका 26 क्वेश्चन का प्लस, और नंबर तो है ये नेगेटिव। ओके, सो दिस इक्वल्स टू माइनस 48 इंटू ये हो गया 26 प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, सो दिस इक्वल्स टू माइनस 48। 26 माइनस 36 कितना आएगा, ये आपको अभी तक मास्टरी हो जानी चाहिए इंटीजर्स की। प्लस 26 गया राइट डायरेक्शन में, माइनस 26 गया लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शंस के नंबर हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़े नंबर का साइन, तो 36 बड़ा नंबर है, so I'll get minus 10. Now here you will use for multiplication, you will use the concepts of multiplication of integers. दो negative number अगर multiply होते हैं, अगर वो एक direction में जा रहे हैं एक अलग चीज़ है, but इसके अंदर ये multiply हो रहे हैं, तो
आंसर आएगा प्लस. सो द आंसर इज प्लस 480. होपफुली दिस इज क्लियर. ओके नाउ वी गो टू द बी पार्ट. नो बी पार्ट इज फॉर एसोसिएटिव, दैट आई विल टेक लेटर ऑन. वी विल टेक द डी पार्ट. ओके सो स्टार्टिंग विद द डी पार्ट, इट इज माइनस 41 इंटू 102. माइनस 41 इंटू 102. तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव का क्वेश्चन है. कॉम्यूटेटिव का इसलिए नहीं हो सकता कि जगह बदलेंगे तो क्वेश्चन उतना ही टफ रहेगा. एसोसिएटिव में तीन नंबर्स चाहिए और आपका कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव पे ही क्वेश्चंस बनते हैं. तो इसको हमें ब्रेक करना है. तो हम किसे ब्रेक करेंगे, 41 या 102? श्योरली 102, बिकॉज 102 इज़ वेरी नियर टू 100. और मल्टीप्लिकेशन 100, 10, 1000, जितनी भी पावर्स ऑफ 10 है उससे बहुत आसान होती हैं. तो हमने 102 को ब्रेक कर दिया 100 प्लस 2. नाउ आई विल सी विच फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव इट इज़. तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो नंबर दिया है ना उसके नीचे आप अल्फ़ाबेट्स लिख दें तो आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाती है. तो a इंटू बी प्लस सी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव का. तो ये हो गया आपका a इंटू बी, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्म है तो हमें खोल के उसको करना है. a इंटू सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी विच इज़ माइनस 41 इंटू 100. बी हमने 100 माना है, आप यहाँ से देख सकते हैं, प्लस माइनस 41 इंटू 2. नाउ माइनस 41 इंटू 100, प्लीज़ डोंट यूज़ योर रफ वर्क बिकॉज इट इज़ अ नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विच गिव्स द सेम डिजिट एंड यू पुट द जीरोज, एज मैनी जीरोज देयर आर इन द क्वेश्चंस. देन प्लस एंड माइनस 41 इंटू 2 इज प्लस 82 और माइनस 82. माइनस 82 बिकॉज दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस. अब यहाँ पे हम माइनस के नंबर ऐड कर रहे हैं. ये आपको बहुत ध्यान देना है कि माइनस के नंबर मल्टीप्लाई कब हो रहे हैं और ऐड कब हो रहे हैं. जब ये ऐड हो रहे हैं तो माइनस 4100 लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और माइनस 82 भी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनकी वैल्यू तो ऐड हो जाएगी लेकिन रहेंगे तो नंबर लेफ्ट डायरेक्शन में ही ना, तो नेगेटिव साइन आएगा. सो दिस इज़ हाउ यू डू द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके नाउ टू कंटिन्यू फर्दर वी कैन टेक द एफ पार्ट विच इज ईजी. इट इज 7 इंटू 50 माइनस 2. वेन यू डू 7 इंटू 50 माइनस 2 दिस इज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट्स ऑन स्क्रीन शॉट. या ए ओके वेट अ सेकेंड, यस ए इंटू बी प्लस सी. अब आप कहेंगे यहाँ तो माइनस लगा है, यहाँ आपने प्लस कैसे ले लिया. आप 50 माइनस 2 को लिखिए 50 प्लस ऑफ माइनस 2, लिख सकते हैं ना हम इसको. तो हमारा फिर से वो बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. 7 इंटू 50 माइनस 2 ओके विच इज 7 इंटू 50 माइनस 2 दैट इज 7 इंटू 50 प्लस ऑफ माइनस 2. सो वी गेट a इंटू बी प्लस सी विच इन टर्न गिव्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू कितना आ जाएगा 50 प्लस 7 इंटू माइनस 2. सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ ब्रैकेट यू कैन मेक इट अ स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ 7 फाइव्स आर 35 सो दिस बिकम्स 350
and both are positive, and this is 7 into minus 2, which is minus 14. So this becomes, first you should have a single sign in front of the number, the plus into minus is minus, and then you subtract 14, how much will you get? 336 is the answer. Okay, so I think this is clear. And this question, there is a hint, you write this as into 1, क्योंकि distributive पूरी नहीं लग पाएगी. आपके पास A की presence है, B की presence है, A की presence है लेकिन C की presence नहीं है. और आपको, क्योंकि ये minus 57 है और ये plus 57 है, ये दोनों भी same नहीं है, तो पहले आप ये minus into minus को solve करके, ये वाला minus into minus को solve करके इस question को rewrite करो. 57 into 19 plus 57. और हिंट ये है क्वेश्चन में कि आप इसको लिखो इनटू 1, तब आपका बनेगा ए इनटू बी. तब आपका कैसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका ए इनटू बी प्लस ए इनटू सी व्हिच इज इक्वल टू ए इनटू बी प्लस सी. ए हो गया आपका 19, 19 हो गया, नहीं 57, नहीं ए इसके अंदर 57 हो गया, 57 इनटू 19 प्लस 1 व्हिच इज 57 इनटू 20, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई, दिस इज 14 1 10 11, दैट्स योर आंसर. ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग सम मोर questions on distributive property. Thank you for watching my video. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.